आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। खगड़िया जिला में मधेपुरा पूर्व सांसद सहजाब युवा शक्ति के पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, ठटा में जो ट्रिपल मर्डर कांड हुआ उसमें जो पुलिस निर्दोष व्यक्ति को धारा 302 के अनुसार गिरफ्तार किया उस निर्दोष को छोड़ दें। और बोले, नियमित शिक्षक जो धरना पर बैठे हैं यदि उसे बर्खास्त करेंगे तो यदि सूबे मुख्यमंत्री नीतीश को संदेश दिए हमारा जाप एवं युवा शक्ति भी उन शिक्षकों के साथ है। बिहार के खगड़िया से संवाददाता जगदीप कुमार की रिपोर्ट। बड़ी घटना ठट्ठा में घटी नरसंहार के रूप में। हम डीजी से मिले थे और डीजी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि महिलाओं को 302 के मुकदमे में डाल देना, या हो सकता है कि महिलाएं विरोध करती हैं तो महिलाओं का कुछ नाम आ जाता है, उसकी भी प्रक्रिया है। लेकिन 302 में महिलाओं को डाल करके जेल में बंद करना, महिलाएं गोली चलाने तो गई नहीं होगी, गोली चला नहीं रही होगी, उन्होंने SIT जांच को कह दिया कि इसकी अविलंब SIT जांच करिए और ये गलत संदेश जा रहा है। और मुझे लगता है कि दोनों पक्ष की महिलाओं के साथ तुरंत जस्टिस होगी और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बड़ा विचित्र घटना है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ से महिलाओं पर यातना दी वो बहुत ही गलत है। और फिर यहाँ के राजनीतिक लोग, बड़े बड़े खान पठान लोग, मुझे समझ में नहीं आया कि सामंजस्य के बदले, आपस में रोकने के बदले सब लोग यहाँ मौन क्यों हो गए और इतना डर और भय का वातावरण क्यों वहां बना। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या बनती, समाज में डर और भय का वातावरण ना बने, समाज निर्भीक हो, समाज स्वतंत्र हो, अपराधियों के खिलाफ हम बात करें और गलत जो गलत है उसके बाद बात करें।